फंक्शन के बेसिस पे थे कितने टाइप बता दिए थे, चार, कौन कौन से, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। इसको डिटेल कर रहे थे, सबसे पहले क्या है इंसिजर, उसके बाद से केनाइन और प्रीमोलर, उसके बाद से मोलर। दिखाई दे रहा था, आगे डिस्टर्ब कर दिए, आपके देखने से मतलब थोड़ी है। देखो तो इंसिजर में क्या बताया गया, नंबर टोटल एट, केनाइन का नंबर फोर, प्रीमोलर का एट और इसका ट्वेल्व, यही ना। और इंसिजर क्या काम करेगा, फूल को काटने का काम करता है, काटने से काम होता है, इसे काम क्या होता है, चीरना और चीरना और देखो ऐसा काम क्या होगा, इन दोनों का चबाना और पीसना, सही लिखा ना। तो ऐसे जो है इनके काम हो गए। अब दिखाई कैसे देते हैं, ये भी हम डायग्राम बनाए थे कल, इसका डायग्राम कैसा था, तो ऊपर से चौड़ा, इस तरह का, और साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा, सर ऐसा दिखेगी ना, बगल से इसे देखे, सामने से ऐसे दिखेगा। और केनाइन ये कैसा होगा, पॉइंटेड होगा, किसी भी दिशा से देखो तो ये पॉइंटेड दिखाई देगा, ऐसा ये ना। और प्रीमोलर और मोलर कैसे दिखेंगे, तो इनका भी शेप सेम होगा, थोड़ा सा चेंजिंग दिखाई देगा। प्रीमोलर जो है ये ऊपर से चपटे होते हैं और इनमें दो या तीन रूट हो सकते हैं प्रीमोलर में, और मोलर में सेम रहेगा, वहां पे चार रूट दिखाई देंगे, मोलर में तीन या चार रूट वहां पे होंगे, बाकी सब सेम रहेगा। और ऊपर का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ऊपर क्या दिखेगा, तो ऊपर की ओर तुमको कुछ इसमें गड्ढे दिखाई देंगे ऐसे, है ना। तो इन गड्ढों क्या कहेंगे, डेंटल रूबी, यही ना। तो प्रीमोलर और मोलर जो होता है ये ऊपर से चपटा होता है, चौड़ा होता है, चपटा होता है, और उसके ऊपर कुछ मतलब धारियां दिखाई देंगी। तो धारी किस लिए है, तो भोजन को पकड़ने के लिए, ठीक है। जैसे पैलेंटाइन रूबी बोले थे ना कि हार्ड पैलेट में ऊपर की ओर कुछ धारियां होती है, तो धारी किस लिए है, तो भोजन को पकड़ने के लिए, चबाने के टाइम पे भोजन को फिसलने से रोकती है पैलेंटाइन रूबी। उसी तरह से ये डेंटल रूबी जो है प्रीमोलर और मोलर के ऊपर पाई जाती है, ये क्या करती है, तो यही भोजन को पकड़ने का काम करती है, ठीक है। अगर ये दांत जो है पूरी तरह से फ्लैट चिकना हो जाए ऊपर से, तो भोजन को चला नहीं पाएंगे हम लोग, भोजन फिसल जाएगा। इसलिए कभी भी दांत जो है ऊपर से पूरा चपटा नहीं, मतलब ऊपर से पूरा बराबर नहीं होता है सरफेस उसका, उसमें ऊपर खावड़ा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर हो जाता है कि ये इंसिजर जो है ऊपर से क्या होंगे, धारदार हो जाएंगे, केनाइन भाले जैसा नुकीला हो जाएगा, प्रीमोलर और मोलर ऊपर से चपटे हो जाएंगे। इनके जड़ जो है मतलब कि तीन चार हो सकते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, और इनका जो जड़ है एक होगा, इनका भी जड़ एक होगा। और यही बताए थे कि ये केनाइन जो होते हैं ये कैटल के अंदर अनुपस्थित होते हैं, यानी कि घास चरने वाले जीव, गाय भैंस ये सब जो है इनके अंदर केनाइन अनुपस्थित होगा, ठीक है। और वही जो बादाम खाने वाले जो मतलब कि शाकाहारी जीव हो गए, जैसे बंदर हो गए, चिंपांजी हो गए, चिंपांजी में कहेंगे बंदर में, है ना, तो बंदर के अंदर केनाइन बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, तो वहां बताए थे कि ये बादाम खाते हैं, मतलब कठोर फल खा सकते हैं, तो कठोर फल को तोड़ने के लिए केनाइन का बड़ा हो जाता है, ठीक है। और मांसाहारी जीवों में भी केनाइन बड़ा होता है, लेकिन वहां पे दांत के बेसिस पे भी हम लोग जीवों की पहचान करते हैं। जब आर्कियोलॉजी पढ़ा जाता है ना, तो आर्कियोलॉजी में एक आता है ऑस्टियो आर्कियोलॉजी,
ओस्टियो आर्कियोलॉजी यानी कि वो आर्कियोलॉजी का वो डिपार्टमेंट है जिसमें केवल हड्डी के बारे में ही अध्ययन किया जाता है और हड्डियों को देख के ही पता लगाया जाता है कौन सा जानवर रहा होगा, तो उसको ओस्टियो आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो ओस्टियो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हड्डी के द्वारा पता कर पाते हैं कि कौन सा जीव है, शाकाहारी था या मांसाहारी था। ठीक है, तो इन दांत के अरेंजमेंट से भी शाकाहारी और मांसाहारी होने का जानकारी मिलता है। ठीक है, जैसे ये केनाइन जो है ये लंबा है तो ये शाकाहारी में भी लंबा दिख रहा है और मांसाहारी में भी, जैसे बंदर में भी लंबा दिख रहा है। ठीक है, और शेर में भी लंबा दिख रहा है। लेकिन मेन बात है कि यहाँ पे अब इसकी लंबाई अगर शाकाहारी जीव के अंदर लंबा है ना तो थोड़ा पतला होगा, ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, पतला होगा, थोड़ी सी लंबाई से कम होगी। लेकिन वही मांसाहारी जानवरों में बहुत मोटा होता है, केनाइन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद से बाकी जो दांत होते हैं शाकाहारी के वो ऊपर से लगभग फ्लैटेड यानी प्रीमोलर मोलर जो होते हैं वो ऊपर से फ्लैटेड होते हैं। मांसाहारी के दांत ऊपर से फ्लैटेड नहीं होते हैं, जहां भी होंगे उनके दांत मतलब कि धारदार होते हैं। ठीक है, तो इन सभी तरह से देख करके दांतों को पता लगा सकते हैं कि जो जीव मरा है उसका जो मतलब कि खोपड़ी मिला है उस खोपड़ी को रखने वाला जो जीव है वो शाकाहारी था या मांसाहारी। जैसे अभी हम लोग डायनासोर के बारे में जानकारी ले पाते हैं। ठीक है, डायनासोर कुछ डायनासोर को शाकाहारी बताया जाता है, कुछ को मांसाहारी बताया जाता है। ठीक है, तो आखिर ये चीज देखने कोई तो ज्ञान नहीं था उस समय, आदमी के आने से पहले के डायनासोर खत्म हो चुके हैं। जब आदमी का नामो निशान नहीं था तब डायनासोर खत्म हो गए धरती से, जुरासिक एज में ही हो रहे और खत्म भी हो गए। ठीक है, तो उस समय तो मानव था ही नहीं, मैमल थे ही नहीं, मैमल का केवल एक ही कोई प्रजाति था। ठीक है, जो जमीन के अंदर आता था तो उस समय मानव था नहीं, तो फिर जानकारी कैसे मिली कि वो शाकाहारी थी या मांसाहारी, तो उनके हड्डियों को देख मालूम किया गया। ठीक है, जो हड्डियां हैं उनके दांत के जो अरेंजमेंट है उनको देख के बताया गया, वैज्ञानिकों ने बताया कि हाँ वो डायनासोर शाकाहारी थे या मांसाहारी, ये बात यहाँ पर है ना। तो ये केनाइन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे फूड के कटिंग में और हमारे आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, हम लोग में देखना केनाइन पतले पतले होते हैं। ठीक है, हम लोग का केनाइन जो है वो बताता है कि हमारे पूर्वज जो है वो भी कभी मांसाहारी हुआ करते थे, लेकिन आज हम लोग केनाइन लगभग इक्वल हो गए हैं। किसी किसी में देखना केनाइन थोड़ा बड़ा होता है, तो जब हंसेगा तो कुछ अजीब लगता है। तो केनाइन बड़े होने से केनाइन होने से ये मालूम पड़ता है कि हमारे जो पूर्वज है वो भी कभी पूरी तरह से मांसाहारी हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे आर्गुमेंट आते रहते हैं, राजनीति में आते रहता है। ठीक है, तो ये इतने दांत के मतलब अलग अलग टाइप हो गए और उनके टाइप के बेसिस पे उनका एक रफ आइडिया हो गया, डायग्राम हो गया। अब जब दांत का पूरी तरह से टीथ का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो और डिटेल करेंगे, जिसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सर इसको लिखे नहीं थे ना, लिखोगे मतलब ये लिखे हो इसके बारे में डिटेल थोड़ी लिखे हो, करता है लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग दांत की संरचना देख लेते हैं, अभी तक जो लिखे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, कॉमन चीज है ये तो इतना टेंथ में पढ़े थे हम लोग। अब हेडिंग करोगे दांत की संरचना। ठीक है, दांत की संरचना जो है इसको मतलब इसमें डायग्राम करने हम लोगों को, जटिंग करके पहले डायग्राम बनाकर फिर देखेंगे इसको। हाँ, देखो ये दांत जो है दांत के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, तो ये ऊपर जो सफेद रंग का दिखाई देता है ये क्या है,
हेड, इसको क्राउन भी कहेंगे, और ये नीचे जो हड्डी में धंसा हुआ रहेगा रूट यानी जड़, ठीक है। और जो दोनों को मिलाने का काम करता है वो क्या, नेक यानी कि ग्रीवा, गर्दन जो कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद से दांत का जो सबसे बाहरी परत होता है, जो कठोर होता है, इसका नाम क्या है, इनामेल, ठीक है। और इनामेल के बाद से क्या आएगा, डेंटाइन, इनामेल है ना। और इनामेल के बाद से मतलब इनामेल जो है दांत का सफेद भाग होता है जो सबसे कठोर होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, डेंटाइन होता है, ठीक है। और डेंटाइन जो होता है वो थोड़ा मुलायम होता है, जो पीले कलर का दिखाई देता है, ये हो गया डेंटाइन, ठीक है। तो दांत का सबसे बाहरी भाग जो सफेद रंग का दिखाई देगा वो हो जाएगा इनामेल, ठीक है, सफेद रंग का होगा इनामेल। अब सबसे कठोर होता है, इनामेल की वजह से ही दांत कठोर है। इनामेल के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, डेंटाइन, ठीक है। और डेंटाइन जो है हल्का पीले रंग का दिखाई देता है, और डेंटाइन के अंदर जो है ये एक खाली जगह दिखाई देती है, इस खाली जगह का नाम क्या होगा, पल्प कैविटी, ठीक है। और पल्प कैविटी के अंदर एक मुलायम सा उत्तक भरा होता है जिसे पल्प कहते हैं, ठीक है। पल्प कैविटी के अंदर जो मुलायम उत्तक रहेगा वो पल्प कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, तो रक्त वाहिनियां और नर्व सेल रहेंगे, इसके अंदर जो है ऐसा रक्त वाहिनियां जाती हैं, और कुछ नर्व सेल भी यहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या है, ब्लड वेसल एंड नर्व सेल, ये इधर, ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये जो है दांत के स्ट्रक्चर हो गए। अब इसमें दांत जो है ये हमारे जबड़े से किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो यहां पर एक और कठोर परत होती है, ठीक है। तो बाहर की ओर जो कठोर परत है उसे सीमेंटम या सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगी, तो जबड़े से दांत को जोड़ने का कार्य करती है, इसको बना लो। लिखना भी है इसको, देख लिया, समझ लिया इसको। तो दांत जो है इसके मुख्य तीन भाग हो गए, हेड, नेक और रूट। तो हेड जो है ऊपर दिखाई देता है, नेक जो है ये हमारी ये जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, गम, ये क्या कहते हैं उसको, गम को हिंदी में मसूड़ा, जबड़ा तो एक पूरा हो गया, जो मैंने जबड़ा, ये मांसपेशी जो होता है इसके ऊपर, गम जो कहेंगे उसको, उससे ढका रहेगा ये, ठीक है। और रूट जो है पूरी तरह से हड्डी में धंसा हुआ रहता है, ठीक है, सॉकेट में, ये बोन के अंदर जो सॉकेट है उसमें धंसा हुआ रहेगा, ठीक है।
फिर इस दांत का सबसे बाहरी परत जो सफेद रंग का दिखाई देगा नाम क्या होगा उसका? इनामिल। ठीक है, तो इनामिल जो है उसका रंग कैसा होगा? सफेद रंग का होगा। और यहाँ पे एक वर्ड लिखे है एमिलोब्लास्ट, ये क्या है? वह कोशिका है जो इनामिल को बनाती है। तो इनामिल को बनाने वाले सेल को, कोशिका को एमिलोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से दांत के इनामिल के बाद से जो दूसरी परत आएगी वो क्या हो गई? डेंटाइन। ठीक है, तो डेंटाइन कैसे दिखाई देती है? हल्के पीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, और वो इनामिल की अपेक्षा थोड़ी मुलायम होती है। और डेंटाइन जो है उसको बनाने वाली जो कोशिका है उसे ओडोंटोब्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट क्या हो गई? डेंटाइन को बनाने वाली कोशिका हो गई। और उसी के बाद से अंदर एक खाली जगह मिलेगा, उस खाली जगह का नाम क्या हो गया? पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी में एक मुलायम सा उत्तक भरा हुआ रहेगा, उस उत्तक का नाम क्या होगा? पल्प। ठीक है, अब इस पल्प में और क्या रहेगा? तो पल्प के अंदर मतलब ये पूरा उत्तक भरा हुआ है, इस उत्तक के अंदर क्या है? तो नर्व सेल है, यानी कि न्यूरॉन जो कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन जब नहीं रहेगा तो फिर हमें दांत के अंदर होने वाले किसी प्रकार के हरकत की जानकारी नहीं हो पाएगी, महसूस नहीं कर पाएंगे। तो न्यूरॉन है इसीलिए हमें दर्द भी होता है और कुछ भी महसूस कर पाते हैं दांत से संबंधित। ठीक है, तो न्यूरॉन इसमें है, नर्व सेल है, और ब्लड वेसल्स इसमें भी है। ठीक है, तो ब्लड वेसल जो है ये क्या करेंगे? तो ऊपर ब्लड की सप्लाई देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी तो कोशिका है, इसके अंदर भी कोशिका है, तो इन कोशिकाओं को भी क्या चाहिए? फूड मटेरियल चाहिए। और इन कोशिकाओं में भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, तो उनको भी बाहर निकालना है, तो इसीलिए अंदर ब्लड वेसल्स भी है। ठीक है, उसके बाद से ये जो इसका जड़ है, रूट जो है, रूट के साइड में यहाँ पे किनारे पे एक खास प्रकार का पदार्थ लगा रहेगा, मतलब कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप का ये। ठीक है, तो उसे सीमेंटम कहेंगे या सीमेंट कहेंगे। ये क्या करेगा? दांत को हमारे जबड़े के हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें रही दांत के स्ट्रक्चर में, इसको हम लोग लिख लेते हैं।